हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभम चौधरी एंड टुडेज टॉपिक हाउ टू प्ले स्विंग बॉलिंग, कि हम स्विंग बॉलिंग को कैसे खेलें। चलिए वीडियो को शुरू करें। पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको आउट स्विंग कैसे खेलनी है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको गार्ड देना है, या तो मिड स्टंप लो या लेग स्टंप लो, वो आप पे डिपेंड है, जो आपको अच्छा लगता हो या जिसे आप प्रेफर करते हो। उसके बाद फिर आपको क्रीज से एक फुट नापना है और एक फुट की दूरी पर खड़ा होना है, अगर विकेट कीपर ऊपर कीपिंग नहीं कर रहा। उसके बाद फिर आपका जो बैट का पोजीशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है स्विंग बॉलिंग खेलने में। अगर आपका बैट थर्ड मैन से आए या फाइन लेग से आए तो दिक्कत हो सकती है। अगर थर्ड मैन से आएगा उसके बाद आप ड्राई खेलोगे तो आपका जो बैट और पैड में गैप है वो ज़्यादा हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको वही बैट मिडल स्टंप से लाना है। फिर उससे क्या होगा, फिर आप प्रॉपर जो बैट पैड के बीच में गैप नहीं होगा और आप पूरा प्रॉपर ड्राइव वगैरह खेल सकते हो। फिर क्या करना है, आपको जो आपका फ्रंट राइट लेग है वो आपको पूरा प्रॉपर बॉल तक लाना है, ताकि आपकी जो बॉडी की कंट्रोल हो वो पूरी रहे और आप बॉल को आंखों के नीचे खेल सको, वहाँ से ड्राइव भी कर सको, डिफेंड भी कर सको, और चाहे लॉफ्ट चाहते हो तो लॉफ्ट भी खेल सकते हो। अगर आप बॉडी को पैर को दूर रखोगे, ऊपर नहीं लाओगे, तो आपका बॉडी बैलेंस डिसबैलेंस हो सकता है और आप बॉल से दूर रह सकते हो। अगर आप प्रॉपर बॉल के पास जाओगे तो आप देख सकते हो कि मैं प्रॉपर बॉल के पास हूँ, तो वहाँ से मैं फ्रंट फुट या बैक फुट दोनों कर सकता हूँ। पर अगर मैं हाफ में हूँ तो मैं यहाँ से ना तो पैर को आगे ले जा पा रहा हूँ और ना यहाँ से पीछे ले जा पा रहा हूँ, तो मैं एक ही जगह स्टक हो जाऊँगा। तो आपको वो नहीं करना। इससे क्या होगा, आप देख सकते हो अगर पैर पूरा बॉल तक नहीं जाएगा तो मैं बॉल से दूर भी हूँ, एज भी लग सकती है, या अगर मैं ज़बरदस्ती खेलने जाऊँगा तो बॉल एयर में जा सकती है, क्योंकि जो मेरा बैट का फेस होगा वो डाउन नहीं होगा, वो स्ट्रेट होगा। आपको हमेशा याद रखना है, अगर आपको ड्राइव या स्विंग बॉलिंग खेलना है तो जो आपका बैट का फेस है वो नीचे की साइड रहना चाहिए। फिर आपको क्या ध्यान रखना है आउट स्विंग में, आपको ज़बरदस्ती क्रॉस नहीं खेलना कि आप लेग स्टंप पे खेलने चले गए, क्योंकि अगर आउट स्विंग बॉल बाहर की तरफ निकलेगी और मैं उसे लेग साइड में खेलने जाऊँगा तो टॉप एज वगैरह लग सकती है, या तो स्लिप में जा सकती है, या बॉल वहीं पर खड़ी हो सकती है। अगर मुझे लेग स्टंप पर खेलना भी है तो मैं प्रॉपर स्ट्रेट बैट से खेलूँ। अगर मैं बैट की एज से मतलब बैट क्लोज कर दूंगा तो बॉल आप देख सकते हो कि फिर बैट का जो एज है वो दिखेगा, बैट का फेस नहीं दिखेगा। आपको बैट का फेस दिखाना है फिर आपको खेलना है, और आप कोशिश करो कि स्ट्रेट ही खेलो बॉल। अब मैं बताऊंगा आपको इन स्विंग खेलने के लिए। इन स्विंग खेलना आउट स्विंग खेलने से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बैट्समैन को। इसमें भी आपको सेम ही रखना है, अपना गार्ड लेना है, फिर आपको विकेट क्रीज के बाहर खड़ा होना है। और इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, जो आपका बैट है वो थर्ड मैन से नहीं आएगा, सॉरी फाइन लेग से नहीं आएगा, वो थोड़ा थर्ड मैन से आएगा, ताकि आप लेग साइड पर आराम से खेल सको, क्योंकि इन स्विंग बॉल लेग साइड पर खेलना ज़्यादा ईजी होता है ऑफ साइड के खेल मुकाबले। क्योंकि मैं दिखाता हूँ, अगर मैं ऑफ साइड पर खेलूँगा और बॉल अंदर आएगी तो बैट पैड के बीच में गैप है तो मैं बोल्ड हो सकता हूँ, वहीं अगर मैं लेग में खेलूँगा या सामने खेलूँगा तो मैं आउट होने के चांस कम है। इसमें आपको क्या करना है, जो आपका लेफ्ट लेग है मतलब राइटी का जो फ्रंट लेग है वो आपको थोड़ा सा खोल के रखना है मिड ऑफ की तरफ को, ताकि जब बॉल अंदर आए तो मैं प्रॉपर उसे डिफेंस भी कर सकूँ, पैड पे लगने से भी बचा सकूँ, स्ट्रेट में सामने भी खेल सकूँ, और वहीं से फ्लिक भी कर सकूँ और पीछे की साइड गाइड भी कर सकूँ। इसमें आपको एक चीज़ क्या रखनी है यार, अगर आप पूरा पैर निकाल रहे हो तो फिर आपको बैट पैड के बीच में गैप नहीं रखना है। अगर पूरा पैर निकालोगे और गैप रहेगा तो बोल्ड हो सकते हो। तो मैं आपको क्या प्रेफर करूँगा, अगर बॉल फुल है, बिल्कुल फुल है, तो आप एकदम पूरा पैर लेके जाओ ताकि गैप ना रहे। पर अगर बॉल थोड़ी छोटी है तो आप छोटा पैर रखो, इससे आप बॉल को वहीं डिफेंस भी कर सकते हो, वहीं से आप बैक फुट पर पंच भी कर सकते हो और लेग साइड की तरफ गाइड भी कर सकते हो। और इसमें सबसे ज़रूरी है लेग साइड डोमिनेट करना आना चाहिए आपको। इसमें आपको बिल्कुल बैट की जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है इसमें, जो आपकी बॉडी है वो गिर जाती है। आप लोग क्या गलती करते हो, जब आप पूरा पैर निकालते हो बॉल तक, वो आप बॉल के क्रॉस रख देते हो, बॉल को अपने अंदर नहीं आने देते। क्रॉस रखने से क्या है कि आप देख सकते हो बॉल मेरे जो फ्रंट लेग है उसके बाहर है, उसके बाद मैं आप देख सकते हो मैं लेग साइड में मूव नहीं कर पाऊँगा, तो अगर बॉल पैड पे लगेगी तो मैं क्लीन LBW हूँ। उसके लिए आपको हमेशा याद रखना है कि
आपको छोटा पैर रखना है, क्योंकि अगर आप पैर यहाँ पे रखोगे फिर तो आपकी बॉडी गिरेगी, पूरी बॉडी आगे गिर जाएगी तो आप वैसे ही आउट हो जाओगे और आपका बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर आप खेल रहे हो लेग साइड पे, आपको खेलना है तो आप देख सकते हो छोटा पैर रख के मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है, मैं थोड़ा मिड विकेट की तरफ खेल सकता हूँ, मिड ऑन की तरफ खेल सकता हूँ, स्क्वायर लेग की तरफ खेल सकता हूँ। पर अगर मैं वहीं पूरा पैर रखूँगा तो मैं सिर्फ मिड विकेट और मिड ऑन की तरफ खेल सकता हूँ, पीछे की साइड नहीं खेल पाऊँगा क्योंकि पीछे का जो मेरा एरिया है वो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है।